अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मैं दरवाजे पे खड़ा रहता था। सीधा सिद्धांत है राजनीति का, चर्चे पर्चे और खर्चे, ये चलता रहना। अरे यार वो मंत्री भी अंदर खाने चाहेंगे कि हार ही जाए, कि भाजपा के अहम को तोड़ने के लिए, तभी तो आप लोगों को भी विज्ञापन ठीक से मिलेंगे, जो देखना तुम जरा। भाजपा कुछ भी कर सकती है, मेरे को रात ही रात निकाल दिया, मैं भूल गया है उनको, मैंने ज्यादा मत खोजना, तभी तो चुप हो रखा है। अरे ना से मैं तो कह रहा, मैंने तो कहा भेजो जेल मेरे को, मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया, कहले कहले कहाँ रखा मैंने, ढूंढो तुम, ये तुम्हारा काम है ईडी वालों का। और यात्रा जिस तरह प्रवाहित हुई है, आज उत्तराखंड का व्यक्ति और केदारनाथ और रुद्रप्रयाग जनपद का व्यक्ति आज मैं सोचता हूँ बहुत परेशान है, मन से परेशान है, चाहे पुजारी हो, चाहे खच्चर वाले हों, घोड़े वाले हों, मजदूर हों, ढाबे वाले हों, और चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे महिला हों। इसलिए आज लोगों के मन में एक सरकार नहीं बदलेगी, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, लेकिन स्पीड ब्रेकर के रूप में केदारनाथ काम करेगा, एक माहौल बनेगा। और यही सरकार, जैसे पहले भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह मंत्री थे, लेकिन पहले के पार्लियामेंट में और आज के पार्लियामेंट में अंतर आप देख रहे होंगे, जब से राहुल गांधी विपक्ष नेता बने। ऐसी केवल केदारनाथ का चुनाव, केवल केदारनाथ की धरती को न्याय नहीं करा दिलाएगा, केदारनाथ का चुनाव पूरे उत्तराखंड के नौजवानों के शायद न्याय करने में एक गिलेरी की तरह भूमिका निभाएगा, उत्तराखंड की बहू बेटियों की इज्जत बचाने में अपनी भूमिका को निभाएगा। इसलिए केदारनाथ के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपका वोट केवल आपके अपने बच्चे के भविष्य को नहीं संभालेगा, उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य को संभालेगा, केवल आपकी बेटी को न्याय नहीं दिलाएगा, उत्तराखंड की बेटियों को न्याय दिलाएगा। पूरे देश में भी केंद्र सरकार का जो अहम है घमंड है, प्रदेश और देश की सरकार का जो घमंड है, उसको भी चकनाचूर केदार बाबा की धरती करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। हरीश रावत और आप एक साथ मिले, एक मंच पे देखेगा, सारे नेता एक साथ है, कहीं ना कहीं चुस्की तो ले जा रहे थे आज। नहीं ठीक है, हंसी मजाक भी होनी चाहिए, लोग देखे जिंदगी में क्या चाहिए, अभी आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, कल हो ना हो तो कुछ नहीं पता ना। तो मैंने तो बहुत आपदाओं में देखा है, लाशें गिनते गिनते मैंने देखा है, चाहे 1991-92 का भूकंप हो, त्रिजी नारायण में बहुत उत्तरकाशी 6 महीने रहा हूँ। इसलिए छोटी सी जिंदगी है, और उसमें हंसी मजाक ना हो, गिली वैसे क्यों, मैं तो बहुत खुले मिजाज का आदमी हूँ, मैं तो कभी किसी से दुश्मनी ही नहीं पालता, ना मेरे मन में किसी के लिए खोट होता है। मैं तो रोज़ जब रात को सोता हूँ केदार बाबा से, बद्री बाबा से, बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों काम कर सकूँ, लोगों के लिए भलाई के लिए काम कर सकूँ। सुबह जब रात खुलती है मेरी, जब मेरी रात खुलती है तो बाबा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे इतनी ताकत दो कि, तो इसलिए भैया तो मेरे किसी से कोई गिलवा शिका नहीं, मुझसे जो रखना चाहे रख ले। आप भी दावेदारी मानते थे अपने को? मैं कोई दावेदारी, मेरी कोई दावेदारी नहीं थी, मेरी कोई दावेदारी नहीं थी। मैं अब यात्रा में आया, पद यात्रा में आया, तो आप लोगों ने मेरे शुभचिंतकों ने जो है चला दिया, और मैं भी सोचता हूँ आ रहा नहीं, तो मेरी कोई दावेदारी नहीं थी, लेकिन जब मैं लोग चला रहे थे मैं मजा ले रहा था, चर्चे पर्चे और खर्चे। राजनीति तो भैया देखो तो, सीधा सिद्धांत है राजनीति का, चर्चे पर्चे और खर्चे, ये चलता रहना चाहिए। नोटियाल कितनी मजबूत कैंडिडेट? देखो मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं आशा नोटियाल से, मेरी छोटी बहन है, और अच्छा है कि भाई मैंने तो उसको बहुत नीचे से देखा है, परचून से छोटे से कीमट की दुकान से देखा है, अपने पति को कई बार वो जब टिफिन में खाना लाती थी दिन में, मैंने तब से देखा उस लड़की को। लेकिन इस समय सवाल आशा नोटियाल का नहीं है, इस समय सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो अहम है, कई बार व्यक्ति गौण हो जाता है, जैसे आज आप मेरे से बोल लो हरक सिंह गौण है, मनोज गौण है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो अहम है वो महत्वपूर्ण है। नौजवानों के साथ जो अन्याय कर रहा, हम जो चाहे कर लें। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक मुझे आज आप लोग बताओ, एक पेपर लीक हो गया, चलो हो गया, दूसरा पेपर लीक हो गया, तीसरा हो गया, अगर ये राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ तो भाजपा ने तूफान मचा देता पूरे देश के अंदर। यहाँ तो साला लोक सेवा आयोग में भी जा रहे, तो
अब मेरे मुंह से साले निकल जा रहा है, मैं गढ़वाले आदमी हूँ, कभी कभी गढ़वाली भाषा में। अब वो आदत पड़ी ना, पांच मंत्री लगा रहे कह रहे भाजपा। अरे यार वो मंत्री भी अंदर खाने चाहेंगे कि हारी जाए, उनकी कुर्सी भी सुरक्षित तभी है। मैं आज आप बता रहा हूँ, मंत्री भी चाहेंगे, भाजपा के लोग भी चाहेंगे कि हार जाए। और अच्छा, पूरी नोटियाल मंत्री बनने की दौड़ में भी है। अरे कहीं नहीं बन रही है, कोई नहीं बना रहा है, कैसे बेवकूफ बना रहा है उसको कब कब तक बेवकूफ बनाओगे उसको, उसको भी चुपचाप अपना। अरे ठीक है, उन्होंने बना दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भाजपा कहीं दौड़ दौड़ में कुछ नहीं है, पैसा मशीनों से जैसे हरियाणा में करा भैया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। रावत जी, बेरोजगारी, अब आप लोगों को जिम्मेदार। अगर केदारनाथ में कांग्रेस हारती है, कांग्रेस को अगर कोई नुकसान होता है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, यहाँ की जनता की तो जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी भी, क्योंकि आप जो है उठाते रहोगे। भाजपा के अगर मशीनों में गड़बड़ कर रही है, मशीनों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, तो मैं हाथ जोड़ के आप पत्रकारों से भी कह रहा हूँ कि भाजपा के एम को तोड़ने के लिए, तभी तो आप लोगों को भी विज्ञापन ठीक से मिलेंगे, जब देखना तुम जरा। जरा हरा दो, उसके बाद देखना। सर, भाजपा की जो परिपाटी रही है आश्रित को टिकट दे, इस बार वो टूटी है, इसमें क्या? देखिए मेरी बेटी की तरह, वो मैंने ऐश्वर्या को जब यहीं घर पे, मैं तो रात कई बार यहीं शैलजा जी घर पे रुकता था, और मैंने छोटी बच्ची थी जब वो छोटे साठवें आने पड़ती थी, और जब मैं 2012 में मिनिस्टर था और सैनिक कल्याण मंत्री था, तो मैंने उसको उपनल में, उपनल जो कॉरपोरेशन उसमें मैनेजर लगाया था, 4-5 साल उसने वहाँ नौकरी करी, तो मेरी तो बेटी की तरह। और मैं तो उससे भी कहूँगा कि भाई ये भाजपा कुछ भी कर सकती है। मेरे को रात ही रात निकाल दिया, जब हरक सिंह की जरूरत थी तब तुमने मेरे को बुला लिया, और जब हरक सिंह की जरूरत नहीं तो रात में 16 जनवरी को निकाल दिया। तो ये भाजपा कुछ भी कर सकती है, मैं तो बचपन से रहा हूँ भाजपा में। आपने कहा मैनेजर लगाया, मैंने इस तरह से लगाते थे आप? मतलब मैं इसलिए करूँ कि ये मैनेजर नौकरी मैं तो लगाता था, क्यों नहीं लगाता? मैंने 22,000 लोग उपलब्ध में नौकरी, मैंने यहाँ एक चीज सुनो, केवल रुद्रप्रयाग जिले में जो भी बीएससी था, क्योंकि मेरे पे एग्रीकल्चर था, तो बायोलॉजी आर्ट्स के बच्चे को नहीं लगा सकता था, जो भी बीएससी था यहाँ, केवल रुद्रप्रयाग विधानसभा नहीं, पूरे जिले में जो भी बीएससी बॉटनी से था, जंतु विज्ञान से था, मैंने सीड सर्टिफिकेशन में, ऑर्गेनिक में, और आज उधम सिंह नगर में 250 लड़के अब वो परमानेंट हो गए सब, काशीपुर रुद्रपुर में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो मैंने लगाए नौकरी, पकड़ पकड़े शैला जी से कहा लाओ लोग, किसी से कहा लक्ष्मण को बोलता था, जिगवान जी बोलता था, इनसे बोलता था लाओ भाई, कोई बीएससी लड़का है बॉटनी से, उसको मैंने सीड सर्टिफिकेशन में, ऑग्नि बोर्ड में, मंडी में, पंत नगर विश्वविद्यालय में, भरसार विश्वविद्यालय में उसको नौकरी लगाया। तो क्या एक चीज सुनो यार, आपने अपने बेटे और भाई, वो तो अपने घर के लोगों को तो नहीं लगाया ना, लोगों को मैंने तो अल्मोड़ा के लोगों को भी लगाया। तो आज अगर 23,000 लोगों को उपनल में, जब मैं उपनल का चेयरमैन बना था केवल 3,000 लोग थे, मैंने अंश सीटी वेत राणा सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, कुंजी बिहार नेगी जी, उन्होंने पौड़ी में भूकड़ताल करी थी, तो भाई साहब सीटी वेतन मृत घोषित हो गया था, मैंने 1 घंटे के लिए पुनर्जीवित कराया सीटी वेतन मान, और 5,500 गढ़वाल में, 4,500 कुमाऊं में नौकरी लगाया, अंशकालिक टीचर्स का लड़ाई लड़ी, अंशकालिक टीचर्स को नियमित करवाया, वो यहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष था अगस्त मुनि का, हर्षवर्धन क्या नाम था उसका, वो भी उसी में परमानेंट हुआ। आपने हर्षवर्धन ने किया बाबा जी, आपने कहा था एक बयान देता पौड़ी में कि जिस दिन मैं बीजेपी का मैं काला चिट्ठा खोल दूंगा उस दिन काला दिन आएगा, लेकिन काला दिन अभी तक आया नहीं। अब ऐसा ना, तो कुछ चीज़ें नैतिकता रहनी चाहिए। अब मैं जब अति करेंगे, मैं तो ईडी वालों को बोल के आया हूँ ना, मैं बोल के आया उनको, मैंने ज्यादा मत खोलना, तभी तो चुप हो रखा है। मैं तो कह रहा, मैंने तो कहा भेजो जेल मेरे को, मैंने कहा भेज दो जेल में, जो प्रबंध होना ही है, मैं जेल भेज दोगे तो उस दिन मैं तुम्हारी पोती पत्र, और मैं तो कह रहा हूँ साला ईमानदार, आपने जोरदार बयान दिया तो कहीं ईडी के, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरे केजरीवाल राष्ट्र नेता से, दिल्ली का मुख्यमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गया, मुझे जेल भेजे बिना, मैंने कहा ना चर्चे पर्चे खर्चे, बिना जेल गए तो कोई नेता ही नहीं बनता। सीबीआई आई, देखो सीबीआई, देखो उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी, और उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की, तो सबसे पहले हरक सिंह की, जिसको बोला हरक सिंह कुछ है ना, अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही का लड़का, एक सिपाही के लड़के ने सारा हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच एजेंसी को हिला के रख दिया।
मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया। तो कहले कहले कहा रखा, मेरे ढूंढो तुम, तुम्हारा काम है ईडी वालों का। भाजपा करे धाकड़ धामी की बात करे, धाकड़ धामी कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा रहे, वो मेरा छोटा भाई है, अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ। रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। तो सच में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच है। या उत्तराखंड में मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो जिस जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। 27 साल उम्र में मंत्री बन गए हैं।